मानक जी, सुशील जी का जो बयान है इसमें यही कहा जा सकता है कि तुम करो हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। आज इनको बिहार में नीतीश कुमार जी का खरीदा हुआ विमान बहुत नाजायज लग रहा है। जब विजय रूपानी हवाई जहाज खरीदते हैं वो किसका पैसा था? वो अपने घर के पैसे से खरीदे थे क्या? खेत बेचकर खरीदे थे क्या? आज हमारे प्रधानमंत्री ये जो 8,000 करोड़ का जहाज पर उड़ रहे हैं, उसके पहले के प्रधानमंत्री भी तो हवाई जहाज पर उड़ रहे थे, क्या खराबी थी उसमें? इनके पास कोई देखिए आप, ये इतना बढ़िया चैनल है News 24, जो हमेशा जो बहस और चर्चा होती है एक अलग तरह का होता है, ये इतनी हल्के विषय पर आपने चर्चा रखा है, इसकी शिकायत हम आपसे कर रहे हैं। इस बात को तो नोटिस नहीं देना चाहिए। 300 करोड़ रुपया टैक्सपेयर का अगर कोई राज्य सरकार खर्च कर रही है, विपक्ष का नेता उसे फिजूल खर्ची बता रहा है, आप कह रहे हैं ये हल्की बहस है बिहार जैसे राज्य के लिए? फिजूल खर्ची नहीं, बिहार इतना बड़ा आबादी है, एक एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को पूरे बिहार में आना जाना दौरा करना पड़ता है, ये कौन बड़ा गुनाह हो गया? ये कोई पहला हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है क्या? पूरे देश में खरीदा जाता है। इसके पहले हम माननीय प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के जहाज पर चलते हैं, उसके पहले भी तो वो जहाज पर उड़ते थे, देश का कई प्रधानमंत्री उड़ते थे। तो समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, सब मांग की जरूरत होती है। इस तरह से आपको कम से कम ये गंभीरता से समझना चाहिए कि समय के हिसाब से अब गाड़ी का क्या स्थिति हो गया, गाड़ी की क्या स्थिति हो गई? आज प्रधानमंत्री जी के लिए 12 करोड़ की सिक्योरिटी गाड़ी आती है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री चलेंगे, क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पर चलेंगे? ये गुनाह क्या है? 11-12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 8,000 ये हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, इसके लिए चर्चा कर रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सुशील मोदी जी बोल करके चुके बिहार से गौन हो चुके हैं, उनके पास कोई काम बचा नहीं है, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उन्हें हमारे राजीव जी ने ठीक ही कहा कि विकास का कभी तो काम किया नहीं। ओके, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, राजेंद्रनगर में पूरे राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं बीजेपी से। बोलिए राकेश त्रिपाठी, आपकी सरकारें राज्य सरकारें खूब खरीदती हैं, केंद्र सरकार खूब खरीदती है, नहीं नहीं पर बिहार सरकार के एक फैसले पर आपने सवाल उठा दिया। मेरी बात पूरी करने दीजिए, मानक जी मेरी बात पूरी करने दीजिए। जब वो वहां पर डिप्टी सीएम थे, आप विकास की बात करते हैं, फिजूल खर्ची की बात करते हैं, इनके रहते जब राजेंद्र नगर में पूरा कमर में पानी जम रहा था और हाफ पैंट पहन करके निकल के जा रहे थे, उस समय इनका विकास समझ में नहीं आया था। आज मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं तो फिजूल खर्ची नजर आ रहा है। ये अपने 15 साल शासन में थे तब क्यों नहीं इन्होंने विकास का काम करके कम से कम अपने जो रहने वाले मोहल्ला था उसको ठीक कर दे। बोलिए राकेश त्रिपाठी की बात, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे, उसके बाद दोबारा लौटूंगा आपके पास। देखिए हिंदी पट्टी के आपके दर्शक एक मुहावरा में कह रहा हूं उसका अर्थ समझ जाए। एक हिंदी पट्टी में मुहावरा बहुत प्रचलित है कि अरहर की टाटी और गुजराती ताला, वही अवस्था हो गई। गुजरात से बार बार तुलना कर रहे हैं, अरे भाई गुजरात की आर्थिक परिस्थितियां क्या है और बिहार की आर्थिक परिस्थितियां क्या है, कम से कम इसमें अंतर तो समझिए ना। मैं आपका उदाहरण उत्तर प्रदेश से देता हूं, बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की भी आर्थिक हालात 2017 से पहले बहुत अच्छे नहीं हुआ करते, उसकी इमेज भी बहुत अच्छी नहीं थी इस तरह की। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो एक परंपरा थी कि नया मुख्यमंत्री नई गाड़ी से चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने दो टूक मना किया रास्ता।